शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। इन पंक्तियों का सार काफी पुरातन काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है राजा महाराजा सभी शिव शंकर की पूजा आराधना किया करते हैं। आपको बता दें बैतूल से 6 किलोमीटर दूर शिव गुफा मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और पुरातन है, ऐसा बताया जाता है कि यह करीब 300 साल पुराना है। जानकार कहते हैं यहाँ पर राजा ईल शिव शंकर की तपस्या पूजा करने आते थे। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका तमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि ये चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है और बीच में स्थित एक टापू के ऊपर ये मंदिर स्थित है। मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। शिव गुफा मंदिर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। शिव गुफा मंदिर राजा ईल से संबंधित है। कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों का राज आया तब राजा ईल पे उन्होंने हमला करके उन्हें उनको यहाँ नाश करा है, जो खेड़ा किला में उपस्थित है। ये शिव गुफा मंदिर कम से कम 300 से 400 साल पुराना है और यहाँ राजा ईल तपस्या करने आते थे ऐसा कहा जाता है। अभी अभी इसका निर्माण हुआ है और पहले इसमें एक गुफा थी जहाँ एक रास्ते से जाते थे और उसी रास्ते से वापस आते थे। फिर उसके बाद दो रास्ते बना दिए गए, एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे, तो पब्लिक को काफ़ी परेशानियां होती थी। यहाँ की जनता ने, यहाँ के सेवकों ने, भक्तों ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रयास करके इस मंदिर का निर्माण करा है और ये मंदिर अब गुफा हटा दी गई है और है आखिर जमीन के 30 फीट नीचे ही है। यहाँ से लेके खेड़ा किले तक के एक सुरंग थी जिस सुरंग के जरिए राजा ईल यहाँ पर आता था और यहाँ अभी एक हाथी बांधने का पत्थर भी है जिसपे अभी नारियल फोड़ा जाता है और जब वो बाहर से आता था हाथी से तो वो यहाँ पर अपने हाथी और घोड़ा बांधने के लिए एक पत्थर हुआ करता था उस जमाने में, वो पत्थर भी यहाँ लगा हुआ है। अब जब भी कोई ऋषि मुनि संत महात्मा आते थे तो यहाँ पर रुकते थे और तपस्या करते थे, उनके प्रताप से ये बहुत चमत्कारिक शिवलिंग है और यहाँ इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है। जैसा कि आपने देखा इस मंदिर की कई खासियत और इन्हीं खासियतों के बारे में हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको रूबरू करवाया है और आपको शिव गुफा मंदिर के दर्शन करवाए हैं और इसी के साथ मैं कमलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। द्वंद्व दोनों लोक में विषाम रित पे था छिड़ा।